हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज बात करेंगे 23 जुलाई से 22 अगस्त तक पैदा होने वाले अफराद की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लियो की। इससे पहले हम लियो की बात करें, मैं आपको बताता चलूँ कि जन्नत मिर्जा, इनका स्टार साइन भी जो है वो लियो है। अगर हम बॉलीवुड की बात करते हैं तो सैफ अली खान, जैकलिन फर्नांडिस और काजोल का साइन भी जो है वो लियो ही है। तो अब बात करते हैं इनकी लकी लकी चीजों की। मैं आपको बात करूं, जो साइन इनको रिप्रेजेंट करता है, जो जोडियक साइन लियो को रिप्रेजेंट करता है, वो होता है बब्बर शेर। बहुत सारे लोग ये लिखते हैं, ये बता दें कि शेर का साइन जो है वो रिप्रेजेंट करता है। मैं आपको बताता चलूं कि शेर का साइन रिप्रेजेंट नहीं करता, बब्बर शेर का साइन रिप्रेजेंट करता है। याद रखें, शेर और बब्बर शेर में बहुत बड़ा फर्क है। अगर आप किसी वाइल्ड लाइफ वाले से पूछेंगे ना कि भाई मुझे शेर और बब्बर शेर में फर्क बताओ, तो वो इसके ऊपर आपको पूरी किताब भी कर देगा कि भाई शेर और बब्बर शेर के अंदर ये फर्क होता है। खैर, बात करते हैं इनकी लकी लकी चीजों की। इनका लकी नंबर जो होता है वो 1 होता है। लकी डे के अंदर इनका संडे आता है। अगर आप बात करते हैं लकी फ्लावर की, तो लकी फ्लावर के अंदर इनका गुलाब आता है। सोना पहनना ऐसे लोगों के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा अगर बात करें इनकी लकी स्टोन की, तो उसके अंदर पखराज आता है मेरे ख्याल से। हाँ, पखराज और हीरा जो है वो इनका लकी स्टोन होता है। अगर हम बात करते हैं इनके लकी कलर की, तो लकी कलर के अंदर गोल्ड और रेड कलर जो है, डार्क रेड कलर जिसको सुर्ख कलर कहा जाता है, वो इनका लकी कलर होता है। अगर हम बात करते हैं लियो की बीमारी की, तो दर्द वाली बीमारियां इनके अंदर पाई जाती है। इसके अंदर आपके कमर का दर्द हो सकता है, जिसके अंदर आपके घुटनों का दर्द हो सकता है, जिसके अंदर आपके मसाने का दर्द हो सकता है, और दर्द वाली शदीद किस्म का तेज बुखार भी जो है वो लियो के अंदर पाया जाता है। अब अगर आप लियो हैं और आपके अंदर ये बीमारियां नहीं है, तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करें। आपको ये बीमारियां हों ये लाजमी नहीं है। ये सिर्फ एक रिसर्च होती है जिसके ऊपर आपको बताया जाता है कि ऐसे अफराद के अंदर जो इस डेट से इस डेट तक पैदा होते हैं, उनके अंदर ये बीमारियां हाँ ज्यादातर पाई जाती है। अगर आप में नहीं है, तो इट्स ओके, लाजमी नहीं है कि आपके अंदर ये सारी बीमारियां पाई जाए। मैं हर वीडियो के अंदर ये बात मेंशन करता हूं, ताकि आप अपने दिमाग के ऊपर कोई टेंशन लेके ना बैठ जाए कि भाई मुझे तो अब ये सारी बीमारियां होने वाली है। अली ने कह दिया था, अब तो ये सारी बीमारियां मुझे होने वाली है, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अगर है तो आप रिसर्च के हिसाब से चल लें, अगर नहीं है तो आप रिसर्च से हटके चल रहे, आपको इंशाल्लाह बीमारियां होंगी भी नहीं। अगर बात करते हैं लियो की प्रोफेशन की, तो इनके प्रोफेशन के अंदर ये आपको फार्मेसी के अंदर मिलेंगे, या आपको कॉमेडी के अंदर मिलेंगे, या आपको फिल्म राइटिंग के अंदर मिलेंगे, और ये आपको माहिर नफ्सियात जो होते हैं साइकोलॉजी के अंदर भी ऐसे लोग जो है वो आपको नजर आएंगे। अब अगर हम बात कर लेते हैं लियो के मुख्तसर तजिए की, तो उसके अंदर मैं आपको बता दूं कि ऐसे जो लोग होते हैं वो कुव्वत इरादियत के बहुत ज्यादा पक्के होते हैं। अपनी लाइफ में अपना गोल सेट करते हैं, अपना एम सेट करते हैं। इसके साथ साथ तब्दीलियों को नापसंद करते हैं, चेंजेस को नापसंद करने वाले अफराद होते हैं। इसके अलावा पैदाइशी तौर पर एक सियासी रुझान जो है वो उनके जहन में पाया जाता है बाजों का सोइटू से, लेकिन दौलत के लालची होते हैं और इसी वजह से अपने दोस्तों से भी महरूम हो जाते हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि जिसका स्टार लियो है वो दौलत का लालची ही होगा। मैं आपको एक रिसर्च बता रहा हूँ, हो सकता है कि आप इस कैटेगरी में आते हो सकता है कि आप इस कैटेगरी में नहीं आते हो। याद रखिए, आपका सिर्फ लियो होना ही जरूरी नहीं होता, आपका डे ऑफ बर्थ और आपका टाइम ऑफ बर्थ भी बहुत ज्यादा ये नौयत का बहुत ज्यादा जो है वो अहमियत का हामिल होता है, जिससे पता चलता है कि आपका ये टाइम ऑफ बर्थ और आपका डे ऑफ बर्थ इस बात को आइडेंटिफाई करता है कि आप लियो के अंदर की कौन सी कैटेगरी। याद रखिए, लियो होना, कैंसर होना, जेमिनाई होना या एरिस होना ये कमाल नहीं है। अगर आपको आपका टाइम बर्थ और डेट ऑफ बर्थ पता हो, तो फिर उससे भी पता चलता है कि आप उसके अंदर की कौन सी सब कैटेगरी के अंदर निकलते हैं। ठीक है, तो कैटेगरी होती है, जैसे आप फॉर एग्जांपल के लिए लियो एक कैटेगरी है, तो इसके अंदर भी सब कैटेगरीज बनते हैं कि भाई दिन वाले अलग करो, रात वाले अलग करो, 11 बजे वाले अलग करो, 12 बजे वाले अलग करो, तो फिर आधा जो है उसका बिल्कुल निचोड़ निकलता है। तो बहुत सारे लोग ये बोलते होंगे यार कि मेरे बारे में लियो के बारे में बताया, मैं भी कैंसर हूं, कैंसर के बारे में बताया या एरिस के बारे में बताया, ये आदत तो मुझ में पाई नहीं जाती, या ये बीमारियां तो मुझ में पाई नहीं जाती, या ये इंटरेस्ट तो मुझ में पाया नहीं जाता। उसका वजह सिर्फ इतना सी होती है कि आप उनकी सब कैटेगरीज के अंदर नहीं आते। अगर आप उनकी सब कैटेगरीज के अंदर आ जाए, आपका टाइम बर्थ कोई बंदा, कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट आपको बैठकर सही से आइडेंटिफाई करे, जिसको कुंडली इंडिया के अंदर इसको कुंडली बनाना कहते हैं, वो कुंडली के अंदर आप देखेंगे हर चीज लिखी होती है। वो कैसे लिखते हैं, वो आपका टाइम ऑफ बर्थ भी उनको पता होता है, और प्लेस ऑफ बर्थ भी पता होती है, डे ऑफ बर्थ भी पता होता है, जिसके बाद वो आपकी सब 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 कैटेगरीज निकालने के बाद आपको बहुत डिटेल के अंदर आपको सारी चीजें बताते हैं। मैं आपको बताया, बाज़ोकात दौलत के
लालची, ऐसे लोग जो है वो साबित होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अपने वकार को बहुत ज्यादा पसंद करने वाले, अपने वकार का बहुत ज्यादा ख्याल रखने वाले लोग होते हैं, छोटी चीजों को पसंद नहीं करते, छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं बाज़ूकात, और छोटी चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेते। लियो हजरत जो होते हैं उनको बड़ी चीजें पसंद होती है, बड़े कारनामे पसंद होते हैं, और हमेशा बड़े प्रोजेक्ट के अंदर हाथ डालते हैं। अपने वकार का अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखने वाले ये लोग होते हैं। ये थी छोटी सी अपडेटेड वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टार भी डिस्कस करूं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।